हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरी हो रही है इस टाइम मॉर्निंग वॉक। तो भाई, अच्छे कपड़ों के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ की भी ज़रूरत है, इसलिए सभी लोग मॉर्निंग वॉक जरूर क्या करो। इस टाइम तो मौसम इतना सुहाना हो रहा है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय कहाँ है भाई? चाय तो गई। कहाँ से? खाली कप है। तो तुम पी चुके हो ना। सुनो, मैं कह रही थी अब बहुत सारे काम है आज। क्या काम है? बूस्टर डोज लगवानी है, इलेक्शन ड्यूटी आ चुकी है, अब इलेक्शंस हैं तो बूस्टर डोज लगनी है, तो क्या करें? पता कर लो, किसी डॉक्टर से सजेशन ले लो कि अभी कोरोना हुआ था जनवरी में तो लग जाएगी नहीं लग जाएगी। देख लो इनमें तो कैसे लड़ते हैं, इतनी अच्छी बीवी। अच्छी है, गंजी हुई पड़ी है अंदर। तुम कम गंजी हो, ये देखो तेरे ज्यादा बाल है। हां, मेरे से ज्यादा बाल है। तो लगवा ले, वैसे तो मेरी लगेगी, इसकी भी लगेगी। भाई तू तो अकेली जाएगी नहीं इलेक्शन ड्यूटी करने, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएगी, हम तो बाहर के रहने वाले हैं, हमें बच्चों कहाँ छोड़ के जाएंगे। मैं बिल्कुल सही बात है। देखो, एक लेडी टीचर के साथ में सफर उसकी पूरी फैमिली करती है, तो भाई बूस्टर डोज तो इनको भी लगनी चाहिए, इनको भी लगनी चाहिए, और बेचारे बच्चे हो तो हमारे को एक भी नहीं लगी, एक भी नहीं लगी उसकी, वो भी जाएगी हमारे साथ। तो फिर लो, गरम बनियान तो धुलने डली हुई है, तो ये पहन लेना। बाहर को आगे दिखा। अभी देखते हैं क्रिस्टी क्या कर रही है, क्योंकि क्रिस्टी छुप के ना रजाई में पता नहीं क्या कर रही है, अभी देखते हैं। आप क्या कर रहे हो? दिखाओ दिखाओ, क्या ड्राइंग कर रहे हो? ये क्या ड्राइंग कर रहे हो भाई? ये क्या ड्राइंग है? आप ऐसे क्यों छुपे हुए हो रजाई में? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो कपड़े पहनो ना ठीक से, ऐसे कैसे छुपे हुए हो? तो कपड़े धुल चुके हैं। ब्रश कर। ये है क्रिस्टीना का रोज का रूटीन, नहाने में ऐसे परेशान करती है। तो यहाँ पर मोनिका बना रही है बिल्कुल मस्त ही मस्त एकदम ब्रेकफास्ट, मूली के परांठे, गरम गरम चाय, ये है इसका पेस्ट और ये है मोनिका, और हमारी पापड़ी हो रही है पराठा, और हम सब यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है, पार्टी हो रही बिना पैंट के। बीवी भगवान सबको दे, क्या गर्मा गर्म परांठे बना रही, लजीज। ओहो, दिखाओ जरा अपनी शक्ल बिना नहाए, नहा के अभी नहा के एक सी लगती है। फ्रेंड्स, अभी मैं लोकेशन ढूंढ रही हूँ अपनी डांस वीडियो बनाने के लिए, कि किस लोकेशन, मुझे कोई लोकेशन सूट नहीं, समझ में नहीं आ रही। और ये देखो, ये पहना हुआ है ना, मैंने ये भी मांग के लाई हूँ, ये भी अंशी से मांग के लाई थी, मेरे पास तो ऐसी कोई टॉप भी नहीं थी जिसमें मैं अपनी वीडियो बना सकूँ। लोकेशन तो मुझे मिल चुकी है, वहाँ नहीं करूँगी मैं शूट, कहीं और करूँगी। ये मेरे हिसाब से ये लोकेशन बेस्ट रहेगी, और बस फिर अपना सेटअप तैयार करती हूँ पूरा, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में। मैं ऊपर सामान लेके जा रही हूँ, लेके चलो कुछ सामान, ये स्टैंड लेके चलो, स्टैंड लेके चलो, चलो मैं क्या लेके चलूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ अपने पहले सॉन्ग के लिए, पहले सॉन्ग की परफॉर्मेंस के लिए, जो कि हम ऊपर शूट करेंगे। तो चलते हैं ऊपर और फिर अपनी शूटिंग स्टार्ट करते हैं। देशभक्ति सॉन्ग है और ये सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, केसरी मूवी का सॉन्ग है, तो आप गैस करना इतने आपको वीडियो मिले कि कौन सा सॉन्ग हो सकता है। और ये सॉन्ग मेरे दिल के इतने करीब है ना, जितनी बार भी मैंने ये सॉन्ग सुना है उतनी बार मेरी आंखों से आंसू आए हैं, इसलिए मैंने इस सॉन्ग का रिमिक्स वर्जन लिया है, क्योंकि जो स्लो वर्जन है उसमें तो मैं डांस भी सीखा है, उसमें मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एकदम आंसू आ जाते हैं आंखों में। सभी मेरे प्यारे देशवासियों, तो मेरा एक सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ मेरे सॉन्ग को सपोर्ट करना। मैं जानती हूँ कि मैंने इतना अच्छा डांस नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और अब मैं दूसरे सॉन्ग के लिए प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक और सॉन्ग तैयार करना है, और कल को है 26 जनवरी, लेकिन ये वीडियो आपको 26 जनवरी को ही मिलेगी, मेरी डांस वीडियो, व्लॉग हो सकता है पहले भी मिल जाए, पता नहीं मुझे कब डालेंगे। तो शेयर भी करना है, शेयर भी करना है, लड़की ने बोला शेयर करना है, और घंटी बजा देना, घंटी का इतना तेज शोर क्यों मचाते हो तुम, अभी आ जाएगी मम्मी ऊपर, डर लग जाए, अरे
है कुछ नहीं है। तो भाई ये कहना था कि प्लीज़ मेरे सॉन्ग को सपोर्ट कीजिएगा। और कल 26 जनवरी है तो कल जाऊंगी मैं अपने स्कूल में झंडा फहराने के लिए। और वैसे अब रेगुलर स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि आदेश आ चुका है बीएससी सर का कि रोज। पूछना चाहती हूँ आप मुझे ये बताओ कि किस किस के घर में आदमी ऐसे काम करते। इन्होंने इसमें से पराठा खाया है तो देखो ये इसका ढक्कन खुला पड़ा है। इन्होंने इसमें से मलाई परांठे पे लगाई है तो मलाई फ्रिज के बाहर पड़ी है। क्रिस्टी को थोड़ी देर पहले दूध दिया था तो देखो दूध गिरा पड़ा है। बॉर्नविटा का डिब्बा वहाँ पड़ा है, गिलास यहाँ पड़ा है। मतलब कैसे कैसे काम करते हो यार तुम। पुलाव बन रहा है और आज मैं पुलाव को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि जल्दी में बनाना है इसलिए। ये क्रिस्टी की दही ताजी, इसकी दही ताजी। और मुझे लगा कि मेरी दही ज्यादा है, मैंने सोचा इसने दही कम ले रखे, चलो इसके पलट दूं थोड़ी सी, बेचारी कुछ खा लेगी, थोड़ी चमक आ जाएगी चेहरे पे। और जैसे मैंने पलटी इसने बोला अरे कड़वी दही। मैं सोचा कि इसकी कड़वी दही थी, बेचारी कड़वी दही खा रही है, बताओ हमें ताजी ताजी देख। बाद में पता चला मेरी कड़वी दही है। पापा मैंने अपनी कर दी आपके में। हैं यो क्या बात है भैया, मैं फ्री का इंसान हूँ क्या, मैं कड़वी दही खा जाऊंगा। खट्टे कड़वी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मैं फर्क पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ता है क्रिस्टी। मैंने कितना सोचा इसके लिए कि चल इसकी दही कम है, थोड़ी सी दे दूं, दो चार चम्मच कुछ खा लेगी, चले जाएगा पेट में इसके कुछ। और मुझे उल्टी कड़वी दही दे रखी है, पोल खुल गई इसकी तो। रोटी भी बासी ले आई होगी मेरी सुबह वाली। ऐसा नहीं दिख गया, दिख गया अंदर का प्यार, दिख गया तेरा है बेटे। मैं आपको थोड़ी दही दे दी। अरे मुझे तेरी ना चाहिए, तू खा।